हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निशा की रसोई। और मैं हूं आपके दोस्त निशा। आज मैं आपके लिए पापड़ की सब्जी की रेसिपी लाई हूं। इसको बनाना भी इजी है और इंस्टेंट पे अगर हमको कोई अच्छी डिश या अच्छी सब्जी खाने की इच्छा हो तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है सबके घर में, सबके लिए या गेस्ट के आने पर सबके लिए। तो इसके लिए हमको जो जो चीज़ों की ज़रूरत है वो है, यहाँ पर मैंने दो पापड़ लिया है। अभी इसके बाद में इसका करेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पे देखिए चार टमाटर लिए हैं मीडियम साइज़ के, दो मैंने छोटे प्याज की लिए हैं, दो मैंने ग्रीन चिली ली है, पांच लहसुन की कलियाँ ली हैं और लगभग 1 इंच मैंने अदरक का टुकड़ा लिया है। अब हम इन सब की पहले पेस्ट एक तैयार कर लेते हैं इन सबको ग्राइंड करके। ये देखिए मैंने इसका एक पेस्ट रेडी कर लिया है। अब हम पापड़ को भी तब गैस में भूंज के इसको रेडी कर लेते हैं। ये देखिए मैंने पापड़ को सेक लिया गैस पे और इसको ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है। अब इनके लिए जो मसालों की ज़रूरत है वो है, यहाँ पे मैंने 1/2 टीस्पून खटाई का लिया, अमचूर पाउडर भी कहते हैं। मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून धनिया पाउडर लिया है, 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ पे हल्दी का पाउडर लिया है, यहाँ पे मैंने 1/2 टीस्पून जीरा और 1/2 टीस्पून राई को मिक्स कर लिया है, मैंने 1/4 टीस्पून अजवाइन का लिया है। नमक आप स्वादानुसार यूज़ करेंगे, हींग हम थोड़ी सी 1 पिंच यूज़ करेंगे। यहाँ पर मैंने मसाला के लिए किचन किंग मसाला यूज़ किया है, थोड़ा सा ऑयल लगेगा हमें और ये मैंने ताजी अभी मलाई निकाली है, ये हम यूज़ करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी। ये देखिए अब हम पैन चढ़ा लिए हैं, गैस ऑन है हमारा। देखिए फ्रेंड्स हमारा पैन गर्म हो गया है। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल डाल लेते हैं, जो भी आप कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं वही लेंगे। देखिए ऑयल हमारा थोड़ा गर्म हो गया, अब हम इसमें 1 पिंच हींग की डालेंगे। इसमें हम ये जो जीरा और राई को मिक्स करके रखे थे ये भी डाल लेते हैं और साथ में थोड़ी सी अजवाइन को ग्रेट हाथ से ग्राइंड करके डाल लेते हैं। अजवाइन को आप हमेशा हाथ से ऐसा करके ही डालेंगे मसल के थोड़ा। अब हम इसमें हल्दी पाउडर जो हमारा है वो भी मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें अपनी टमाटर की ग्रेवी डाल लेते हैं। फ्रेंड्स अब हमने इसको ऑयल पे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अगर ये छीटने लगे तो आप इसको एक ढक्कन से ढक के पकाइए, लेकिन अगर ये नहीं छीट रहा है तो आप ऐसे चलाते हुए इसको लो मीडियम फ्लेम पे भूनेंगे 10 से 15 मिनट, जब तक टमाटर की ग्रेवी हमारी अच्छे से ना भून जाए। फ्रेंड्स देखिए 5 से 7 मिनट हो गए हैं हमको ढके हुए, हमारी ग्रेवी देखिए भूंज रही है। अब ये पूरी तरीके से नहीं भूंज पाई है तो हम इसमें मलाई जो हमने फ्रेश रखी थी वो मिला लेते हैं। हम इसमें 1 से 1.5 टीस्पून मलाई डालेंगे, इसे अच्छे से ऐसे चला के मिक्स कर लेते हैं ग्रेवी पे। मलाई को हम बीच में इसलिए डालते हैं क्योंकि मलाई भी थोड़ी पकती है और उससे टेस्ट अच्छे से निखर के आता है ग्रेवी का। अभी हमने नमक वगैरह कुछ भी नहीं डाला है, सिर्फ ग्रेवी को हम ऑयल में भूंज रहे हैं लो फ्लेम पे ही। ये छिटती है इसलिए हम इसको ढक करके पका रहे हैं। अभी हम इसको ढक देते हैं और इसको पकने देते हैं। देखिए फ्रेंड्स 20 से 25 मिनट हो गए हैं, हम अपनी ग्रेवी को एक बार देख लेते हैं। ये देखिए हमारी ग्रेवी अच्छे से भूंज गई है, आप देख सकते हैं। अब हम इसमें जो अपने बचे मसाले थे वो डाल लेते हैं। यहाँ पे मैंने नमक नहीं डाला था, हम नमक आप अपने स्वादानुसार नमक डालेंगे। यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून के बराबर का नमक लिया है, साथ में ये जो हमने किचन किंग लिया था ये मैंने 1.5 टीस्पून लिया है, धनिया पाउडर मैंने 1 टीस्पून लिया है, मैंने 1/2 टीस्पून कसूरी मेथी ली है। इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए मैंने मसालों को अच्छे से मिक्स कर लिया है, इसमें प्लस के लगभग पानी डाल लेते हैं। पानी आप इस हिसाब से डालेंगे कि अगर आपको थोड़ी पतली सब्जी पसंद है
तो आप उस हिसाब से उसको यूज़ कर सकें, और थोड़ी गाढ़ी पसंद है तो आप उस हिसाब से यूज़ कर सकें। मैं ग्रेवी थोड़ी ठीक ठाक ही बना रही हूँ, बहुत ज़्यादा पतली या बहुत ज़्यादा थिक नहीं कर रही हूँ। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं पानी को। इसमें मुझे पानी थोड़ा कम लग रहा है तो मैं इसमें पौन ग्लास पानी और डालूँगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पापड़ थोड़ा पानी पीता है, आप उस हिसाब से पानी रखिएगा ग्रेवी में। अब हम इसमें अपना जो पापड़ हमने तोड़ के रखा था वो भी मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए, अब हम अपना पापड़ भी इसमें मिक्स कर लेते हैं जो हमने तोड़ के रखा था। इसे ज़्यादा दबाते हुए नहीं करेंगे, हल्के हाथों से इसे हमको इसमें मिक्स करना है। और अब इसे ढक के हमको उबाल लाना है। फ्लेम हमारा लो ही रहेगा ताकि ये धीरे धीरे उबाल आए। ये देखिए, मैंने लीड लगा के छोड़ दिया है। अब इसे 2 से 3 मिनट हम ऐसे ही रहने देंगे लो फ्लेम पे, फिर इसे चेक कर लेंगे। देखिए फ्रेंड, 2 से 3 मिनट हो गया है। अब हम ये लीड हटा के देख लेते हैं सब्जी को। ये देखिए कितना अच्छा उबाल आ रहा है। फ्रेंड्स, पानी की जो कंसिस्टेंसी है वो आप इस हिसाब से रखेंगे। अगर हमारे यहाँ जो पापड़ आते हैं वो थोड़े मोटे आते हैं, इसलिए हमको पानी थोड़ा ज़्यादा डालना पड़ता है क्योंकि ये पीते हैं अच्छे से पानी। बट जो लिज्जत पापड़ या ऐसे जो पतले वाले पापड़ आते हैं, अगर आप वो यूज़ कर रहे हैं तो पानी थोड़ा कम यूज़ करेंगे आप। अब हमने ये जो खटाई हम रखे थे ये भी हम इसमें मिला लेते हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आप गार्निशिंग के लिए इसके ऊपर धनिया की पत्ती भी यूज़ कर सकते हैं और थोड़ी पनीर भी ग्रेट करके डाल सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारी सब्जी ये बन करके रेडी हो गई है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही और भी वीडियो लेकर के आते रहूँ। ये खाने में बहुत ही यमी है और आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी। तो मिलते हैं, बाय।